गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास प्लस वन यूनिट वन एक्सरसाइज 1.4। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं वो यूनियन से रहते हैं, यूनियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है कि यूनियन क्या होता है। यूनियन होता है जो भी एलिमेंट, जैसे हमारे पास ए एलिमेंट में मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5 और जो दूसरा आ गया बी, उसमें लिए बी सबसेट में 6, 7, 8। तो हम जो एलिमेंट्स रहते हैं वो सारे के सारे यूनियन में एक साथ इकट्ठे करके राइट कर देंगे, वो कहलाता है हमारा यूनियन। तो अब हम राइट कर रहे हैं ए यूनियन बी, यूनियन यू की तरह रखता है और बी। तो अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे पास यूनियन आ गए। यूनियन में हम जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, जो भी नंबर्स आएंगे, वो सारे के सारे हम एड अप कर देंगे जो हमने पहले पढ़ लिया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन रहता है फर्स्ट, वो क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें जो सेट्स के बहुत सारे पेयर्स दिए हैं वो चेक करने हैं, वो पेयर हैं कि नहीं है। हमारे पास पहले में पेयर साथ साथ ही राइट करते हैं और साथ साथ ही डिस्कशन भी कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 1, 3, 5। तो एक्स के लिख लिया हमने 1, 3, 5 एंड वाई के जब राइट करेंगे तो हमारे पास आ गया 1, 2, 3। अब मुझे यूनियन राइट करना है तो मैं राइट करूंगा एक्स यूनियन वाई इक्वल्स 1, 2, 3, 5। मैंने सारे के सारे जो सेट के अंदर एलिमेंट्स थे वो राइट कर लिए 1, 2, 3, 5। तो हमारे पास ये यूनियन बन गया। अब इसी का जो सेकंड पार्ट रहता है वो है ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। हमारे पास दूसरा रहेगा वो ए बी सी, ए बी सी। हमें ए यूनियन बी निकालना है इसमें भी, तो ए यूनियन बी आता है तो हम राइट करेंगे ए बी सी ई आई ओ यू। हमने सारे के सारे अगेन राइट कर लिए। हमारे पास वो नेक्स्ट